भारत में G20 समिट में शामिल हुए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आज सुबह राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद वियतनाम के लिए रवाना हो गए। लेकिन अपने पहले ही भारत दौरे में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिखा दिया कि पीएम मोदी और भारत के साथ उनके रिश्ते कितने ज्यादा मजबूत हैं। G20 समिट में शामिल हुए जो बाइडेन ने इस दौरान भारत और अमेरिका के आपसी और कारोबारी रिश्तों को और मजबूती देने के लिए पीएम मोदी के साथ एक द्विपक्षीय वार्ता भी की। 50 मिनट की इस मीटिंग के दौरान पीएम मोदी और जो बाइडेन ने द्विपक्षीय प्रमुख रक्षा साझेदारी को और गहरा बनाने का संकल्प लिया। जो बाइडेन ने भारत के जरिए 31 ड्रोन की खरीद और जेट इंजन को मिलकर विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ने का स्वागत भी किया। खास बात ये रही कि भारत में G20 के मंच से बाइडेन ने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान करके चीन के वन रोड वन बेल्ट परियोजना की हवा निकाल दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को दुनिया के 8 देश मिलकर बनाएंगे, जो भारत से इसराइल और यूरोप तक जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति और पीएम मोदी की इस परियोजना के साकार होने के बाद मध्य एशिया से यूरोप तक भारत को व्यापार करना आसान हो जाएगा। साथ ही भारत अमेरिका की साझेदारी एक नए मुकाम तक पहुंचेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान करते हुए कहा कि आने वाली पीढ़ियां इसे याद रखेंगी। वियतनाम रवाना होने से पहले जो बाइडेन ने इस पहल के लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद दिया। साथ ही एक ट्वीट करते हुए लिखा, मुझे ये घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि अमेरिका, भारत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ ने एक नए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए एक ऐतिहासिक समझौते को अंतिम रूप दिया है। ये परियोजना केवल ट्रैक बिछाने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। ये एक गेम चेंजिंग क्षेत्रीय निवेश है। जो बाइडेन ने एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य का सुझाव देने पर पीएम मोदी की तारीफ की और कहा कि भारत ने जबरदस्त काम किया है। इसके साथ ही भारत की पहल पर बायोफ्यूल अलायंस बनाया भी जाएगा, जिसके फाउंडिंग मेंबर भारत, अमेरिका और ब्राजील होंगे। G20 में शामिल होने दिल्ली आए दुनिया के सभी नेताओं ने आज राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। दुनिया के तमाम दिग्गज नेता जब महात्मा गांधी को नमन करने राजघाट पहुंचे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खादी का शॉल पहनाकर उनका स्वागत किया। विदेशी मेहमान राजघाट पहुंचते ही खादी और महात्मा गांधी के सिद्धांतों के रंग में रंगे नजर आए। इसके बाद विदेशी मेहमान राम भजन सुनते हुए महात्मा गांधी की समाधि की तरफ आगे बढ़े और फिर बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राजघाट में वो भजन बजते सुनाई दे रहे थे जो महात्मा गांधी को बेहद प्रिय थे। सभी विदेशी मेहमानों ने पूरे प्रोटोकॉल का पालन किया और जूते उतार कर ही बापू को श्रद्धांजलि दी। वहीं महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट पहुंची इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का खास अंदाज देखने को मिला। जॉर्जिया मेलोनी सफेद रंग की एक खास ड्रेस पहनकर राजघाट पहुंची थी और अपनी कार से उतरकर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जैसे ही राजघाट पहुंची, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी को राजघाट में बने साबरमती आश्रम के एक मॉडल को दिखाया और फिर उन्हें महात्मा गांधी के सिद्धांतों की जानकारी दी। दरअसल राजघाट में बना साबरमती आश्रम का ये मॉडल इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की इसी कुटिया से भारत को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की थी। और राजघाट से आज जो तस्वीर निकलकर सामने आई उसने चीन और पाकिस्तान को परेशान कर दिया, क्योंकि राजघाट पहली बार ऐसी तस्वीर का गवाह बना जब दुनिया के सबसे सुपर पावर देश और उनके टॉप वर्ल्ड लीडर्स वहां मौजूद थे। और बापू की समाधि के सामने दुनिया के दिग्गज नेता एक साथ नतमस्तक हुए, क्योंकि G20 का मूल मंत्र ही वसुधैव कुटुंबकम है। इसलिए राजघाट से ये जताने और बताने की कोशिश की गई कि मानव जाति के विकास के लिए सभी को साथ आना होगा। हालांकि राजघाट से निकलकर सामने आई इस तस्वीर को भारत के बढ़ते कद के तौर पर भी देखा जा रहा है, जिसकी एक झलक श्रद्धांजलि कार्यक्रम होने के बाद देखने को मिली।
क्योंकि श्रद्धांजलि देने के बाद G20 में शामिल देशों के नेता जब एक साथ बाहर निकले तो इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का हाथ थामा हुआ था। ये तस्वीर दुनिया को ये बताने के लिए काफी है कि 21वीं सदी भारत की है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगान सुबह जब राजघाट पहुंचे तो उनके सुरक्षा अधिकारी और भारत के सुरक्षा कर्मियों के बीच बहस शुरू हो गई। भारत के सुरक्षा अधिकारियों ने जब एर्दोगान के सुरक्षा कर्मियों को आगे जाने से रोका तो वहां हलचल देखी गई। और ये घटना उस वक्त हुई जब तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगान राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। जैसे ही एर्दोगान राजघाट के लिए उतरते हैं, उनके सुरक्षा कर्मी उनके पीछे पीछे सुरक्षा देने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसी दौरान भारतीय सुरक्षा एजेंसी के अधिकारी आगे आकर उन्हें वहीं रोक देते हैं और फिर वहां थोड़ी गहमा गहमी की स्थिति बन जाती है। जैसे ही नजर पड़ती है राष्ट्रपति एर्दोगान की सहयोगी तुरंत पीछे मुड़कर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों से बात करती हैं। वो जानकारी देती हैं कि उनके सुरक्षा कर्मियों के पास राष्ट्रपति एर्दोगान का कुछ जरूरी सामान है। इसके बाद वो बैग उन्हें दिया जाता है जिसमें राष्ट्रपति एर्दोगान का सामान था और फिर तुर्की के सुरक्षा कर्मियों को भारतीय सुरक्षा कर्मी साइड कर देते हैं। लेकिन गहमा गहमी यहीं पर खत्म नहीं होती। राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगान के सुरक्षा कर्मियों को रोकने के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसी के अधिकारी राष्ट्रपति एर्दोगान के साथ चल रही उनकी सहयोगी को रोकने के लिए आगे बढ़े, क्योंकि उनकी ट्रांसलेटर उनके पीछे पीछे चल रही होती हैं। तभी उन्हें भारतीय सुरक्षा कर्मी फिर रोकते हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसी के अधिकारी उन्हें दूसरे रूट से जाने की सलाह देते हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसी के अधिकारी उन्हें बताते हैं कि आपका रूट दूसरा है जबकि राष्ट्रपति एर्दोगान का रूट दूसरा है। इस दौरान जब तुर्की के राष्ट्रपति की उन पर नजर पड़ती है तो उनको ये बताया जाता है कि आपको आगे जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना है, इसीलिए राष्ट्रपति के साथ आने वाले मेहमानों को दूसरे रास्ते से आगे पहुंचाया जा रहा है। जब राष्ट्रपति एर्दोगान को ये पूरी बात समझ आ जाती है तो वो अपनी ट्रांसलेटर को दूसरे रास्ते से चलने को कहते हैं और फिर उनके पास से अपना जरूरी सामान ले लेते हैं। इसके बाद तुर्की के राष्ट्रपति आगे बढ़ते हैं और फिर आगे जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मुलाकात करते हैं। इस बार का G20 समिट अब तक का सबसे सफल आयोजन तो साबित हुआ ही है, जिसकी वजह मोदी मैजिक को बताया गया। नई दिल्ली में हुए ऐतिहासिक 18वें G20 समिट को सबसे कामयाब कहने की वजह है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ जब बीते G20 समिट की तुलना में इस बार सबसे ज्यादा काम हुआ। भारत में हुए G20 समिट में 112 मुद्दों पर सहमति बनी है, जो अब तक का सबसे व्यापक और विस्तृत घोषणा पत्र बताया गया, क्योंकि पिछले साल 2022 में बाली में हुए इसी समिट में सिर्फ 27 मुद्दों पर सहमति बन पाई थी, जबकि 2021 में 36 मुद्दों पर तो 2020 में केवल 22 मुद्दों पर ही सहमति बन पाई। यही नहीं, 2019 में 13 तो 2018 में 12 और 2017 में जर्मनी में हुए G20 के समिट में केवल 8 मुद्दों पर ही चर्चा के बाद सहमति बनी थी। इसके अलावा भारत का दबदबा इस बार उसकी पहल पर अफ्रीकन यूनियन को इस ग्रुप में स्थायी सदस्यता दिलाने से भी दिखा, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन के गरीब देशों को चीन कर्ज के चंगुल में फंसाने की चाल चलता रहा है, इसलिए भारत की पहल पर अफ्रीकन यूनियन को मिली स्थायी सदस्यता को चीन के लिए झटका माना जा रहा है। इस बार लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर आम सहमति बनाकर इसे एक दिन पहले ही जारी किया जाना भी ऐतिहासिक रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारतीय शाकाहारी भोजन की तारीफ की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने G20 के राष्ट्राध्यक्षों को डिनर दिया था जिसमें उन्हें शाकाहारी भोजन परोसा गया था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने डिनर की तारीफ करते हुए भारतीय व्यंजनों को वंडरफुल बताया। G20 सम्मेलन के आखिरी दिन पीएम मोदी ने नवंबर में वर्चुअल सेशन का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि दो दिनों के सम्मेलन में कई प्रस्ताव और सुझाव आए जिनकी समीक्षा जरूरी है। गृह मंत्री अमित शाह ने G20 के सफल आयोजन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और उन्हें बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर G20 सम्मेलन की सफलता को सांस्कृतिक मूल्यों में भरोसा रखने वाले हर भारतीय की सफलता बताया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ कल दो दिन के दौरे पर वाराणसी जाएंगे और काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करेंगे। प्रविंद जुगनाथ गंगा आरती में भी शामिल हो सकते हैं। G20 के सफल आयोजन के बाद नवंबर के अंत तक भारत में कई और बड़े कार्यक्रम होने हैं।
अगले महीने नए संसद भवन में होने वाले आयोजन में G20 देशों के स्पीकर और पीठासीन अधिकारी विशेष मेहमान होंगे। एक तरफ चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग अहिंसा का संदेश देने वाले महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने दिल्ली के राजघाट पहुंचे, तो दूसरी तरफ चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स भारत और अमेरिका के खिलाफ जहर उगल रहा है, क्योंकि G20 सम्मेलन में भारत का दम देखकर चीन चिढ़ गया है। समिट में भारत मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू करने को लेकर सहमति बनी, जिस पर चीन ने गीदड़ भभकी देते हुए कहा है कि उसे अलग थलग करने का लक्ष्य पूरा नहीं होगा। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में इकोनॉमिक कॉरिडोर पर चीनी विशेषज्ञों ने अपनी राय रखी है, जिसमें कहा गया है कि आर्थिक कॉरिडोर सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहेगा और मिडिल ईस्ट में चीन को अलग थलग करने की अमेरिका की चाल कामयाब नहीं होगी। चीनी विशेषज्ञों ने ग्लोबल टाइम्स में लिखा कि ये पहली बार नहीं है कि अमेरिका ने बहुत कुछ कहा और बहुत कम किया। भारत यूरोप और मिडिल ईस्ट देशों के बीच एक बहुराष्ट्रीय रेल और बंदरगाह सौदे की घोषणा चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जवाब माना जा रहा है, और यही वजह है कि चीन पूरी तरह चिढ़ गया है। ग्लोबल टाइम्स में चीनी विशेषज्ञों ने इकोनॉमिक कॉरिडोर में ब्रिक्स देशों की मौजूदगी पर भी सवाल उठाए। चीन के थिंक टैंक ने कहा कि बाइडेन प्रशासन फिर से गुटकी राजनीति में शामिल हो रहा है और अमेरिका चीन विरोधी गुट बनाने के लिए एकजुट हो रहा है। ग्लोबल टाइम्स में चीनी विशेषज्ञों ने लिखा है कि मिडिल ईस्ट देशों के अमेरिका के नेतृत्व वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर में शामिल होने से उसे कोई चिंता नहीं है। चीनी विशेषज्ञों ने दावा किया है कि मिडिल ईस्ट पर अमेरिका का असर कम हुआ है और सऊदी अरब और UAE हाल ही में ब्रिक्स में शामिल हुए हैं। हालांकि G20 के देश इसे बड़ी पहल मान रहे हैं। I think it's an important step forward too. After all, we need more trade demands, quality infrastructure. लेकिन चीन ने कहा है कि बुनियादी ढांचे के विकास के नाम पर जियोपॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने की कोई भी पहल कभी सफल नहीं होगी। भारत मिडिल ईस्ट यूरोप आर्थिक गलियारे का उद्देश्य मध्य पूर्व के देशों को रेलवे से जोड़ना और उन्हें बंदरगाह के माध्यम से भारत से जोड़ना है। हम आपको बताते हैं कि इससे क्या क्या फायदे होने वाले हैं। इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने से अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बड़ा फायदा होने वाला है। इससे शिपिंग समय लागत में कटौती होगी। कॉरिडोर में रेलवे शिपिंग नेटवर्क और सड़क परिवहन मार्ग शामिल होंगे। रेल एंड शिपिंग कॉरिडोर देशों को ऊर्जा उत्पादों समेत ज्यादा व्यापार के लिए सक्षम बनाएगा। कॉरिडोर की वजह से ग्लोबल साउथ में कनेक्टिविटी गैप खत्म हो जाएगा और मिडिल ईस्ट, भारत और यूरोप एक साथ जुड़ जाएंगे। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI कॉरिडोर परियोजना से इटली के पीछे हटने की आहट से चीन परेशान दिख रहा है। इसकी एक झलक दिल्ली में G20 समिट के दौरान भी देखने को मिली। जब दिल्ली स्थित भारत मंडपम में चीन के PM ली कियांग इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को मनाने पहुंच गए। माना जा रहा है कि बैठक के दौरान इटली के BRI प्रोजेक्ट से हटने के फैसले पर चर्चा की गई। इटली का कहना है कि उसे इस परियोजना से कोई खास लाभ नहीं हुआ है। इटली ने कहा है कि 4 साल पहले BRI में शामिल होना जल्दबाजी में किया गया नुकसानदेह फैसला था। इटली दिसंबर तक इस परियोजना से निकल सकता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने आज एक बार फिर दिखा दिया कि वो हिंदू हैं और हिंदू धर्म में गहरी आस्था रखते हैं। खुद के हिंदू होने पर गर्व जताने वाले ऋषि सुनक आज सुबह होते ही अक्षरधाम मंदिर पहुंच गए और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ अक्षरधाम मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। ऋषि सुनक ने स्वामी नारायण भगवान के दर्शन किए और फिर आरती उतारी। इस दौरान ऋषि सुनक को देखकर एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि जिस भक्तिभाव के साथ उन्होंने भगवान के सामने मत्था टेका, उनकी हिंदू धर्म के प्रति आस्था को देखकर अक्षरधाम मंदिर के पुजारी भी हैरान रह गए। सही बात है, he is really, he has got great love for Indian civilization, Hinduism and every aspect of, you know, that is, you know, very good for the entire humanity. पूजा अर्चना करने के बाद ऋषि सुनक ने अक्षरधाम मंदिर की भव्यता को भी देखा। इस दौरान उनको अक्षरधाम मंदिर का एक मॉडल भी दिया गया, जिससे उनको मंदिर की याद रहे। ये पहला मौका नहीं है जब ऋषि सुनक की हिंदू धर्म के प्रति आस्था सार्वजनिक तौर पर देखने को मिली है। शुक्रवार को नई दिल्ली पहुंचते ही ऋषि सुनक ने मंदिर जाने की इच्छा जता दी थी। इस दौरान उन्होंने हिंदू त्योहारों और हिंदू परंपराओं से अपने गहरे रिश्ते का जिक्र भी किया था। साथ ही ऋषि सुनक ने मंदिर जाकर भगवान का आशीर्वाद लेने की इच्छा जाहिर की थी।
I'm a proud Hindu, and that's how I was raised. That's how I am. Hopefully, I can visit a mandir while I'm. इससे पहले भी ऋषि सुनक का हिंदू धर्म के लिए झुकाव इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में देखने को मिला था। ऋषि सुनक ने कथावाचक मुरारी बापू की कथा में शामिल होकर जय श्री राम का जयकारा लगाया था, जिसकी चर्चा पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में हुई थी। बापू जय श्री राम। और आज जब ऋषि सुनक अक्षरधाम मंदिर पहुँचे तो हिंदू धर्म के प्रति उनकी श्रद्धा खुले तौर पर देखने को मिली। ऋषि सुनक ने हिंदू होने पर गर्व होने की जो बात कही थी उसकी वानगी इन तस्वीरों में साफ साफ दिखी। वहीं भारत दौरे पर आए ऋषि सुनक और अक्षता के बीच जबरदस्त लव केमिस्ट्री देखने को मिली। दिल्ली की हल्की बारिश के बीच सुनक और अक्षता की लव स्टोरी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर ऋषि सुनक और अक्षता मूर्ति की लव स्टोरी के चर्चे होने लगे। क्योंकि ऋषि सुनक और अक्षता जब अक्षरधाम मंदिर पहुंचे तो उस समय बारिश हो रही थी। इस दौरान दोनों एक ही छतरी के नीचे नजर आए। खास बात यह रही कि खुद प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने छाता पकड़ रखा था और वो बारिश से अक्षता को बचाते नजर आए। वहीं शुक्रवार को जब ऋषि सुनक लंदन से नई दिल्ली के लिए रवाना हुए थे उस समय की एक तस्वीर भी सामने आई थी। प्लेन में अक्षता अपने पति ऋषि सुनक की टाई को ठीक करती हुई नजर आई थी। सोशल मीडिया पर अब सुनक और अक्षता की ये तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं और लोग दोनों की जमकर तारीफ कर रहे हैं। G20 बैठक में शामिल होने आए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का भारत में दामाद की तरह स्वागत किया गया, क्योंकि ऋषि सुनक भारतीय मूल के होने के साथ ही इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता के पति हैं। और इसीलिए ऋषि सुनक जब भारत दौरे पर आए तो उन्हें दामाद की तरह ट्रीटमेंट दिया गया। ऋषि सुनक जब शनिवार को G20 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत मंडपम पहुंचे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें गले लगा लिया। प्रधानमंत्री ने उनकी हाथ जोड़कर अगवानी की, जिसके जवाब में सुनक ने भी नमस्कार किया। भारतीय मूल के ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ पीएम मोदी की जोरदार केमिस्ट्री दिखी और दोनों नेता कुछ देर तक बातचीत करते हुए भी नजर आए थे। वहीं इससे पहले जब ऋषि सुनक का विमान दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर लैंड हुआ था तब उन्हें रिसीव करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा था कि उन्होंने इस देश की बेटी और दामाद का स्वागत किया है, जिसके जवाब में ऋषि सुनक का भी बयान सामने आया था। भारत में उन्हें दामाद कहकर बुलाए जाने पर ऋषि सुनक ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि भारत के लोग उन्हें दामाद के तौर पर याद कर रहे हैं। उन्होंने दामाद बोले जाने पर कहा था कि उन्हें प्यार से दामाद कहा गया होगा। Well, first of all, thank you for the warm welcome. It's fantastic for me to be back in India. Obviously, it's personally very special for me to be here. दरअसल ऋषि सुनक का जन्म साउथहैम्पटन में हुआ था, लेकिन उनके माता-पिता यशवीर और उषा भारत से थे। वहीं ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता भी भारत से ही हैं, और यही वजह है कि आज जब ऋषि सुनक राजघाट पहुंचे थे तो वहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें खास तवज्जो दी थी, क्योंकि राजघाट में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद सुनक प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही नजर आए थे। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होगा। सूत्रों के मुताबिक श्री राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में फैसला लिया गया कि 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला विराजमान होंगे और इससे एक हफ्ते पहले मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत होगी। पीएम मोदी प्रतिष्ठा समारोह में मौजूद रहेंगे। अयोध्या में राम मंदिर का काम पूरा होने से पहले ही श्री राम एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया है। जानकारी के मुताबिक इसी साल नवंबर में श्री राम एयरपोर्ट से हवाई सेवाएं शुरू हो जाएंगी। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में भारी बारिश के बाद भूस्खलन हुआ और पहाड़ों का मलबा सड़क पर आने से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे कई जगह बंद हो गया। पुलिस और प्रशासन ने पर्यटकों को मौसम की जानकारी लेकर यात्रा करने की सलाह दी है। यूपी के मथुरा में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। सड़कों पर कई फीट पानी जमा होने की वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लद्दाख के न्योमा इलाके में बीआरओ दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 12 सितंबर को इस परियोजना का शिलान्यास करेंगे। G20 सम्मेलन के पहले ही दिन भारत को बड़ी कूटनीतिक जीत मिली और सभी सदस्य देशों की सहमति के साथ नई दिल्ली लीडर्स समिट डिक्लेरेशन मंजूर कर लिया गया। हालांकि यूक्रेन के मुद्दे पर सहमति बनाने में भारत को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। कहा जा रहा है कि शुक्रवार रात तक सदस्य देश इस पर सहमत नहीं हो सके थे और ऐसा लग रहा था कि साझा घोषणा पत्र आने की संभावना कम ही है।
सूत्रों के मुताबिक यूक्रेन युद्ध पर सदस्य देश दो खेमे में बटे हुए थे, एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश थे और दूसरी तरफ रूस और चीन थे। सूत्रों के मुताबिक बात बनती न देख पीएम मोदी और भारतीय अधिकारियों ने बाकी देशों को समझाया कि G20 एक इकोनॉमिक फोरम है, न कि भू राजनीतिक मुद्दों को सुलझाने का फोरम। भारत ने कहा कि यूक्रेन युद्ध को ही G20 का इकलौता मसौदा नहीं बनना चाहिए। इस बात का समर्थन ब्राजील, साउथ अफ्रीका और इंडोनेशिया ने भी किया, जिसके बाद अन्य राष्ट्र एक साझा डिक्लेरेशन के लिए तैयार हो गए। रशिया यूक्रेन क्राइसिस, इंडिया वर्क्ड वेरी क्लोजली विद ब्राजील, साउथ अफ्रीका एंड इंडोनेशिया, एंड आई वांट टू से दैट इट वाज द इमर्जिंग मार्केट्स which played a very key role. सम्मेलन के पहले दिन दोपहर करीब 3:30 बजे ये खबर आई कि नई दिल्ली डिक्लेरेशन को सभी देशों ने अपनी सहमति दे दी है। पीएम मोदी ने सम्मेलन के दूसरे सत्र में इसकी जानकारी दी, जिसके बाद सम्मेलन स्थल तालियों से गूंजने लगा। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। ये पीएम मोदी के नेतृत्व और भारत की कूटनीति का ही असर था कि सभी देशों ने आम सहमति से नई दिल्ली डिक्लेरेशन का समर्थन किया। The New Delhi Leaders Declaration has 83 paras in all. All 83 paras have 100% consensus across all countries. There are 8 paras on the geopolitical issue, which is entitled Planet, People, Peace and Prosperity. All those 8 paras have 100% acceptance. 38 पेज के नई दिल्ली डिक्लेरेशन में 83 पैराग्राफ है। इसमें यूक्रेन जंग का 4 बार जिक्र हुआ। पीएम मोदी के संयुक्त राष्ट्र में दिए गए भाषण के हिस्से को भी इसमें शामिल किया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये युग युद्ध का नहीं है। हालांकि घोषणा पत्र में न तो रूस का नाम लिया गया और न ही युद्ध के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराया गया, इसीलिए घोषणा पत्र पर रूस ने भी सहमति जताई। सम्मेलन खत्म होने के बाद रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी खुश नजर आए। इस दौरान उन्होंने भारत की तारीफ की और इस आयोजन को मील का पत्थर बता दिया। It is a long way to go, but this summit has been a milestone from this point of view of giving a clear guiding star for us to follow. Another thing I would like to mention in particular is the active role of the Indian presidency that has genuinely consolidated. समिट में भारत की भूमिका की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि सभी चीजें संतुलित तरीके से आगे बढ़ीं और सभी पक्षों ने दुनिया में शांति, सुरक्षा और टकराव को सुलझाने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से अपनाए जाने को ऐतिहासिक करार दिया। G20 देशों का घोषणा पत्र जारी करते हुए पीएम मोदी ने रूस का जिक्र किए बगैर इस युग को युद्ध का मानने से इनकार किया और कहा कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी के साथ दुनिया नहीं चल सकती। नई दिल्ली घोषणा पत्र में कई खास बातें लिखी, जिनमें सभी देशों ने आतंकवाद के हर रूप की आलोचना की। जी, आतंकवाद के हर रूप की आलोचना की गई और आतंकवादी समूहों को सुरक्षित पनाहगाह और किसी तरह का समर्थन से वंचित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने का भी आह्वान किया गया। साझा घोषणा पत्र में सभी देशों से क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता और राजनीतिक स्वतंत्रता को बनाए रखने का आह्वान किया गया। इसमें सभी देशों ने टिकाऊ विकास के लक्ष्य पर काम करने का संकल्प लिया और भारत की पहल पर वन फ्यूचर अलायंस बनाने का ऐलान भी किया गया। नई दिल्ली घोषणा पत्र में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की भी शुरुआत हुई, जिसके संस्थापक सदस्य भारत, अमेरिका और ब्राजील होंगे, और एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य पर जोर देने का लक्ष्य भी तय किया गया है। इसके अलावा मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक को मजबूती देने की बात कही गई, ताकि उन्हें बेहतर, बड़ा और ज्यादा कारगर बनाया जा सके। क्रिप्टो करेंसी पर ग्लोबल पॉलिसी बनाने की दिशा में बातचीत पर जोर भी दिया गया और कर्ज पर बेहतर व्यवस्था के लिए भारत ने कॉमन फ्रेमवर्क बनाने की बात भी कही है। दुनिया में तेजी से विकास करने वाले शहरों को फंड देने का भी ऐलान हुआ है और साथ ही ग्रीन और लो कार्बन एनर्जी टेक्नोलॉजी पर भी
काम करने का संकल्प लिया गया है। इसके अलावा पवित्र ग्रंथों के खिलाफ हिंसा जैसे धार्मिक घृणा के मामलों को समाप्त करने की बात भी इसमें कही गई है। G20 समिट में राष्ट्रपति की तरफ से दिए गए डिनर में राष्ट्राध्यक्षों, डेलीगेट्स, केंद्रीय और राज्य मंत्रियों के अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए, जिनमें इंडिया गठबंधन के भी कुछ CM मौजूद थे, जिनमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल थे। नीतीश कुमार के इस डिनर में पहुंचने पर कई तरह के सियासी सवाल भी खड़े हो रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि PM मोदी और BJP के विरोध में INDIA गठबंधन को खड़ा करने में नीतीश कुमार ही सबसे आगे रहे हैं। नीतीश कुमार ही वो नेता हैं जिन्होंने बिहार में BJP को झटका देकर RJD के साथ मिलकर सरकार बना ली। नीतीश कुमार पर आरोप लगे कि सियासत में कब वो अपने वादों और दावों से पलट जाएं कहा नहीं जा सकता, लिहाजा उनका डिनर में पहुंचना विपक्षी गठबंधन में अपने कद को लेकर दबाव बनाने के तौर पर भी देखा जा रहा है। BJP को धोखा देने के बाद PM मोदी के साथ नीतीश की ये पहली मुलाकात थी, लेकिन इस दौरान PM मोदी ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया और जो बाइडेन से भी उनकी मुलाकात कराई। इस दौरान विपक्षी दल के झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उनके साथ थे। वहीं एक तस्वीर में नीतीश कुमार के हाव भाव भी कुछ अलग नजर आए, जिसमें हेमंत सोरेन तो मुस्कुरा रहे थे लेकिन नीतीश के चेहरे पर थोड़ी गंभीरता दिखी। इस डिनर पार्टी में विपक्षी गठबंधन की तरफ से शामिल हुए मुख्यमंत्रियों में सिर्फ नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन ही नहीं थे, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इस डिनर पार्टी में शामिल हुए, जिनका वहां पहुंचना एक बड़ी बात माना जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने न्योता मिलने के बाद भी इस डिनर से दूरी बनाई। राजस्थान के CM अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी जाने से इनकार कर दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से अकेले सुक्खू ऐसे मुख्यमंत्री थे जो इस डिनर में शामिल हुए और PM मोदी से मुलाकात की। इस दौरान PM ने भी उनका जोरदार स्वागत किया और गर्मजोशी से उन्हें पकड़कर वो उनसे बात करते हुए भी नजर आए। वहीं विपक्षी गठबंधन में शामिल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए डिनर में शामिल हुई, जहां उनकी कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात हुई। हालांकि इस दौरान ममता बनर्जी की जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें वो काफी शांत दिखाई दी। दिल्ली में हुए G20 समिट में इंडिया की जगह इस बार भारत की छाप देखने को मिली। भारत मंडपम से लेकर राजघाट तक हर जगह भारत लिखा नजर आया। वो चाहे G20 समिट का मंच हो या फिर PM मोदी की टेबल पर रखी कंट्री प्लेट, जिस पर देश का नाम इंडिया की जगह भारत लिखा नजर आया। भारत मंडपम में जिस कोणार्क चक्र के सामने PM मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत किया, वहां भी भारत और वसुधैव कुटुंबकम लिखा दिखा। विदेशी मेहमानों के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिनर होस्ट किया था। इस दौरान गीत संगीत का कार्यक्रम रखा गया था। मंच पर लगे बोर्ड पर भारत वाद्य दर्शनम और म्यूजिक जर्नी ऑफ भारत जैसे शब्द लिखे दिखे। G20 शिखर सम्मेलन में आए मेहमानों के लिए दिए गए रात्रि भोज में भारत के अलग अलग हिस्सों के संगीत की समृद्ध परंपरा की झलक भी देखने को मिली। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण गंधर्व अतोद्यम था, जिसमें भारत के पारंपरिक वाद्य यंत्रों की एक शानदार सिम्फनी करके अद्वितीय संगीतमय जुगलबंदी पेश की गई। इस परफॉर्मेंस में शास्त्रीय वाद्य यंत्रों के समूह के साथ हिंदुस्तानी, कर्नाटक, समकालीन और लोक संगीत का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। पूरे संगीत कार्यक्रम में कई दुर्लभ भारतीय वाद्य यंत्र भी दिखाई दिए। इनमें सुरसिंगार, मोहन वीणा, जल तरंग, जोड़िया पावा, ढंगाली, दिलरुबा, सारंगी, कमाईचा, मट्टा कोकिला वीणा, नल तरंग, तुंगबुक, पखावज, रबाब, रावण हत्था, थालदाना और रुद्र वीणा जैसे वाद्य यंत्र शामिल हैं। और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं भारत मंडपम, जहां पर G20 का आयोजन हुआ है। वहां कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री मीडिया सेंटर भी जाएंगे और वहां पर जो क्राफ्ट्स का प्रदर्शन किया गया है, प्रदर्शनी लगाई गई है, उसको भी प्रधानमंत्री वहां पर भी विजिट करेंगे, वो प्रदर्शनी भी देखेंगे। उससे पहले जरा देखिए कितनी खूबसूरत लाइटिंग यहां पर की गई है और कितना सुंदर दृश्य इस वक्त नजर आ रहा है। भारत मंडपम के ठीक बाहर की ये तस्वीर, ये दृश्य आपके सामने। कुछ ही देर के बाद भारत मंडपम पहुंचने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जानकारी यह है कि भारत मंडपम में क्राफ्ट बाजार में प्रधानमंत्री शामिल होंगे। जो क्राफ्ट का प्रदर्शन किया गया है उसको प्रधानमंत्री देखेंगे, वहां पर विजिट करेंगे और इंटरनेशनल मीडिया सेंटर भी प्रधानमंत्री जाएंगे, क्योंकि G20 का शिखर सम्मेलन हुआ है। धीरे धीरे
अलग अलग राष्ट्र प्रमुखों की विदाई हुई है। सुबह जो बाइडन, फिर ऋषि सुनक, और इसके बाद जो अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं उनकी विदाई हुई है। और अब इसके बाद प्रधानमंत्री उस क्राफ्ट बाजार में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं जहां पर प्रदर्शनी अलग अलग क्राफ्ट्स की लगाई गई है। और G20 के सफल आयोजन के साथ ही भारत ने दुनिया को अपनी संस्कृति और सभ्यता से भी रूबरू करवाया। दिल्ली में एयरपोर्ट से लेकर होटल और आयोजन की जगह भारत मंडपम तक हर जगह सिर्फ भारत ही नजर आया। वो चाहे G20 समिट का मंच हो या फिर पीएम मोदी की टेबल पर रखी कंट्री प्लेट जिस पर देश का नाम इंडिया की जगह भारत लिखा नजर आया। भारत मंडपम में जिस कोणार्क चक्र के सामने पीएम मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत किया, वहां भी भारत और वसुधैव कुटुंबकम लिखा दिखा। विदेशी मेहमानों के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिनर होस्ट किया था। इस दौरान गीत संगीत का कार्यक्रम रखा गया था। मंच पर लगे बोर्ड पर भारत वाद्य दर्शनम और म्यूजिक जर्नी ऑफ भारत जैसे शब्द लिखे दिखे। G20 समिट में पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक मेहमान जहां भी गए वहां उन्हें हर जगह भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता और भारतीय विरासत ही नजर आई। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण गंधर्व अतोद्यम था जिसमें भारत के पारंपरिक वाद्य यंत्रों की एक शानदार सिम्फनी करके अद्वितीय संगीतमय जुगलबंदी पेश की गई। इस परफॉर्मेंस में शास्त्रीय वाद्य यंत्रों के समूह के साथ हिंदुस्तानी, कर्नाटक, समकालीन और लोक संगीत का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। पूरे संगीत कार्यक्रम में कई दुर्लभ भारतीय वाद्य यंत्र भी दिखाई दिए। इनमें सुरसिंगार, मोहन वीणा, जल तरंग, जोड़िया पावा, ढंगाली, दिलरुबा, सारंगी, कमाईचा, मट्टा कोकिला वीणा, नल तरंग, तुंगबुक, पखावज, रबाब, रावण हत्था, थालदाना और रुद्र वीणा जैसे वाद्य यंत्र शामिल हैं। G20 के सफल आयोजन के साथ ही भारत ने दुनिया को अपनी संस्कृति और सभ्यता से भी रूबरू करवाया। दिल्ली में एयरपोर्ट से लेकर होटल और आयोजन की जगह भारत मंडपम तक सिर्फ भारत ही भारत नजर आया। ये कई बड़े मायने भी हैं क्योंकि इस आयोजन में पूरी तरह से मेहमानों के सामने भारत की संस्कृति और इतिहास की तस्वीरों के जरिए हर जगह दिखाया गया। इसकी शुरुआत भारत मंडपम में नटराज की प्रतिमा से हुई जो आयोजन स्थल के ठीक बाहर एक बड़े आकार में लगाई जो भारत में श्रद्धा और आस्था का प्रतीक भी है। इसके बाद G20 सम्मेलन में शामिल हुए मेहमानों का पीएम मोदी ने जहां स्वागत किया वहां ठीक उनके पीछे कोणार्क चक्र की तस्वीर थी जिसे व्हील ऑफ लाइफ यानी जीवन का पहिया भी कहा जाता है। ये चक्र लगातार बढ़ते समय की गति के साथ साथ प्रगति और निरंतर परिवर्तन का प्रतीक भी माना जाता है। कोणार्क चक्र में नजर आने वाले 7 घोड़े यानी हफ्ते के 7 दिन, 2 पहिए यानी साल के 12 महीने माने जाते हैं। जीनी